दोस्तों, हम लोगों ने पिछले पाठ में देखा था कि बाबा गुप्ता जी की जान बचाने के लिए शहर में जाते हैं, जहां रॉड अपनी शक्ति से मार्क्समैन को जमा देता है और बाबा गुप्ता जी को अपनी शक्ति से मार्क्समैन से अलग कर देते हैं। बाबा मार्क्समैन को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह मरता नहीं है। इसलिए शक्ति प्राप्त करने के लिए बाबा तप करने जंगल में चले जाते हैं और इधर मार्क्समैन पिंजरा से बाहर निकल जाता है। और अब आगे की कहानी देखते हैं। गुप्ता जी, कल तो होली है और हमारा दुश्मन खुलेआम शहर में घूम रहा है। हाँ मिश्रा जी, आपने सही कहा, हमारा एक और पुराना दुश्मन आ गया है, रंगासुर, और कल होली है। पता नहीं वो शहर के किस भाग में तबाही मचाएगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी आपस में बात कर रहे थे, तभी जम्पर को महसूस होता है कि रॉड के अंदर कोई शैतानी ताकत है, इसलिए वह रॉड पर नजर बनाकर रखता है। मिश्रा जी, हमें पूरे शहर में नजर बनाकर रखना होगा ताकि कल कुछ अनहोनी ना हो जाए। गुप्ता जी और मिश्रा जी के साथ जम्पर और रॉड शहर पर नजर रखने के लिए पूरी रात इधर उधर घूमते रहते हैं। कुछ घंटों के बाद सुबह हो जाती है और सभी लोग रंग खेलने के लिए घर से बाहर आने लगते हैं। मिश्रा जी, सभी लोग रंग खेलने के लिए घर से बाहर आ चुके हैं, इसलिए तुम और रॉड यहाँ नजर बनाए रखो, मैं और जम्पर आगे नजर बनाए रखते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी चारों तरफ नजर बनाए रखते हैं और सभी लोग होली खेलने लगते हैं। हैप्पी होली शर्मा जी। हाँ हाँ, आपको भी हैप्पी होली। चलिए चलिए, आज थोड़ा नाच लेते हैं। सभी लोग होली के रंगों में रंग जाते हैं और खूब मस्ती करते हैं। तभी वहाँ रंगासुर का आगमन होता है और सबको होली खेलता देख गुस्सा में आग बबूला हो जाता है। आज के दिन सभी की मौत मेरी केमिकल वाले रंग से होगी। जैसे ही रंगासुर लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी मिश्रा जी उसे देख लेते हैं। रॉड, वहाँ देखो, रंगासुर सबको मारने के लिए यहाँ आ गया है। जल्दी से तुम अपने नाइट्रोजन गैस से उसे जमा दो। मिश्रा जी की बात रॉड नहीं मानता है। मिश्रा जी, रॉड तुम्हारा बात नहीं मानेगा, क्योंकि ये तुम्हारा रॉड नहीं है, वह बैरूपियासुर है। क्या ये नहीं हो सकता? मिश्रा जी, ऐसा हो चुका है। बैरूपियासुर, तुम मिश्रा जी को संभालो, मैं उन लोगों को संभालता हूँ। बहरूपियासुर अपना असली रूप में आ जाता है और मिश्रा जी पर हमला कर देता है। इधर रंगासुर अपने केमिकल वाले रंग से तबाही मचाने लगता है। भागो भागो, शैतान ने हमला कर दिया है। मुझे बहुत जलन हो रही है। केमिकल वाले रंग से लोगों के चेहरे जलने लगे और सभी तरफ तरफ के मरने लगते हैं। गुप्ता जी और जम्पर देखता है कि सभी लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे हैं, इसलिए गुप्ता जी समझ जाते हैं कि यहाँ पर शैतानों ने हमला कर दिया है। सभी लोगों को बचाने के लिए गुप्ता जी और जम्पर तुरंत वहाँ जाते हैं। रंगासुर, रुक जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। गुप्ता जी, तुम कुछ भी कर लो, मैं किसी को होली खेलने नहीं दूंगा, और जो भी होली खेलेगा उसे मैं अपना केमिकल वाला रंग लगा दूंगा और फिर वह तरफ तरफ के मरेगा। रंगासुर गुप्ता जी की बात नहीं मानता है और वह सबको मारने लगता है। जम्पर, इसे सबक सिखाना ही होगा, ये बिना मार खाए नहीं समझेगा। गुप्ता जी अपनी शक्ति से रंगासुर पर हमला करते हैं। गुप्ता जी, मेरी दुश्मनी होली खेलने वालों से थी, लेकिन अब तुम भी मेरे बड़े दुश्मन हो। बेटा, अभी तू बच्चा है, तू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, इसलिए तुम्हें अंतिम बार यहाँ से भाग जाने को बोल रहा हूँ। रंगासुर गुप्ता जी की बात नहीं मानता है और वहाँ से नहीं भागता है। जम्पर, अपनी शक्ति का एक झलक इसे दिखा दो, तब शायद ये यहाँ से भाग जाए। गुप्ता जी की बात मानते हुए जम्पर अपनी शक्ति से रंगासुर पर हमला करता है। जम्पर का हमला से रंगासुर दर्द के मारे तड़पने लगता है। मुझे माफ कर दो गुप्ता जी, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मुझे छोड़ दो। ठीक है रंगासुर, लेकिन तुम वादा करो कि फिर कभी किसी को केमिकल वाला रंग से तकलीफ नहीं दोगे। हाँ हाँ, मैं वादा करता हूँ, अब मुझे छोड़ दो।
गुप्ता जी का इशारा मिलते ही जंपर रंगासुर को छोड़ देता है। रंगासुर अपनी जान बचाते हुए तुरंत वहां से भाग जाता है। गुप्ता जी मेरी मदद कीजिए, बैरूपिया सुर मुझे मार डालेगा। मिश्रा जी की आवाज़ सुनकर गुप्ता जी और जंपर तुरंत वहां पर जाते हैं। गुप्ता जी हमारा रॉड के रूप में ये बैरूपिया सुर था। गुप्ता जी जब बैरूपिया सुर को देखते हैं तो वो वहां नहीं होता है। गुप्ता जी वो बैरूपिया सुर है, वो मेरा रूप लेकर घायल पड़ा हुआ है। नहीं गुप्ता जी ये बैरूपिया सुर है, इसने मुझे बहुत मारा तब जाकर मैंने आपको आवाज लगाया था। नहीं गुप्ता जी ये झूठ बोल रहा है, मेरा रूप लेकर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है ये। गुप्ता जी दोनों की बातें सुनकर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर असली मिश्रा जी कौन है। तुम दोनों में से जो भी बैरूपिया सुर है वो बता दे, मैं उसे नहीं मारूंगा। गुप्ता जी के ये बोलने के बाद भी बैरूपिया सुर अपना असली रूप में नहीं आता है। गुप्ता जी मेरा विश्वास कीजिए, मैं ही आपका दोस्त मिश्रा जी हूँ। ठीक है बैरूपिया सुर, यदि तुम अपनी असली रूप में नहीं आते हो तो मैं जंपर को मार डालूंगा। जैसे ही गुप्ता जी जंपर को मारने वाले थे तभी आवाज आती है। गुप्ता जी जंपर को छोड़ दीजिए, मैं ही बैरूपिया सुर हूँ। गुप्ता जी देखा आपने, इसने सच बोल ही दिया, मैंने पहले ही कहा था ना कि ये बैरूपिया सुर है। हाँ मुझे समझ आ गया कि कौन असली मिश्रा जी है और कौन मिश्रा जी के रूप में बैरूपिया सुर है, अब तुम बचोगे नहीं। गुप्ता जी अपनी शक्ति से मिश्रा जी के रूप वाला बैरूपिया सुर पर हमला कर देते हैं। तुम्हें क्या लगा बैरूपिया सुर तुम मिश्रा जी का रूप ले लोगे और मैं पता नहीं लगा पाऊंगा क्या? अगर तुम असली मिश्रा जी होते तो तुम्हें पता होता कि अपने दोस्त की जान बचाने के लिए हम सब अपनी जान दाव में लगा देते हैं। गुप्ता जी के ये बोलते ही बैरूपिया सुर अपनी असली रूप में आ जाता है। तुम बिल्कुल सही थे गुप्ता जी, लेकिन तुम अपने दोस्त रॉड को भूल तो नहीं गए, क्योंकि वह अभी भी मार्क्समैन के कब्जे में है। तुम उसकी चिंता मत करो, अभी तुम अपनी जान बचाने की सोचो। गुप्ता जी का एक जोरदार वार से बैरूपिया सुर घायल हो जाता है। आइए मिश्रा जी हम दोनों मिलकर बैरूपिया सुर का अंत करते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी अपनी पूरी शक्ति से बैरूपिया सुर को जला कर मार देते हैं। मार्क्समैन मेरी मौत का बदला जरूर तुम लोगों से लेगा। जैसे ही बैरूपिया सुर मरता है यह बात मार्क्समैन को पता चल जाता है। गुप्ता जी तुमने बैरूपिया सुर का अंत कर दिया, अब मैं तुम्हारा अंत करके ही रहूंगा। मार्क्समैन रॉड के चेहरे में चिपकने लगता है। गुप्ता जी मैं आ रहा हूँ तुम्हारी मौत भरकर। तो दोस्तों यह पार्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ अगला पार्ट मार्क्समैन रिटर्न का फाइनल पार्ट होगा, तो सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।